हमारा चैनल हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक पहल है। इसका सहयोग करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करें और निरंतर अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत अनेकता में एकता के सिद्धांत को अपने भीतर समेटे हुए है। पूर्व में भारत में विभिन्न धर्मों के लोगों में अंतर करना मुश्किल हुआ करता था, लेकिन आज सांप्रदायिकता समाज के रोम रोम में बस गई है। लोगों की धार्मिक पहचान इतनी सुदृढ़ हो रही है कि हम धीरे धीरे भूल रहे हैं कि हम इंसान और भारतीय पहले हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख या ईसाई। हमें इस सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में हमें आधुनिक विचार विकसित करने के दौरान अपने पूर्वजों से अच्छी शिक्षाएं अपनाने की भी ज़रूरत है। सांप्रदायिक नज़रों से हर चीज़ को देखने की प्रवृत्ति ने इस देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, उतना शायद ही और किसी चीज़ ने पहुंचाया होगा। आज हम आपके सामने एक ऐसा वाक्य लेकर आए हैं जिसे सुनकर मन में ये एहसास जागेगा कि सांप्रदायिकता का परित्याग करना कितना आसान है और इससे हमारा जीवन कितना खुशहाल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के मुबारकपुर गांव में रात के 3 बजे जब सभी सो रहे होते हैं, तब 45 वर्षीय गुलाब यादव और उनके 12 वर्षीय बेटे रात 1 बजे से अगले 2 घंटों तक गांव के मुस्लिम परिवारों को रमज़ान में सेहरी और फज्र यानी सुबह की नमाज के लिए जगाते हैं। इन 2 घंटों के दौरान ये लोग सभी मुस्लिम घरों पर दस्तक देते हैं और उन लोगों को नींद से जग जाने तक वहाँ से हटते नहीं। इनका कहना है कि साल 1975 में उनके पिता चिरकित यादव ने इसकी शुरुआत की थी और इसी परंपरा को वह आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इससे शांति मिलती है। गुलाब यादव पेशे से दिहाड़ी मजदूर हैं जो कि ज़्यादातर समय दिल्ली में रहते हैं, लेकिन रमज़ान आने पर वह पूर्वी यूपी के आजमगढ़ स्थित अपने गाँव लौट आते हैं।